बाहुबली मुख्तार अंसारी की यूपी वापसी, रोपड़ से आगरा इटावा औरैया होते हुए बांदा जेल पहुंचा डॉन। सख्त पहरे में सुबह करीब 4:30 बजे बांदा जेल में पहुंचा मुख्तार अंसारी, बैरक नंबर 15 में रहेगा डॉन। पंजाब के रोपड़ से कल दोपहर करीब 2 बजे चला था मुख्तार अंसारी का काफिला। डॉन के काफिले के रास्ते में पड़ने वाले सभी जिलों को रखा गया था अलर्ट पर। मुख्तार अंसारी की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद रोपड़ जेल प्रशासन ने यूपी पुलिस को सौंपा। कोरोना के बढ़ते कहर को रोकने के लिए दिल्ली में लगा रात का कर्फ्यू, जरूरी सेवाओं को छूट। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू, मेट्रो भी रहेगी बंद। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 5100 नए मामले, 17 मरीजों की मौत। दिल्ली में 17,332 सक्रिय मामले, अब तक कुल 6,85,062 केस। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर हुई 3,291। आज बंगाल में अमित शाह का ताबड़तोड़ रोड शो, 12 बजे टीएमसी से बीजेपी में आए रविंद्रनाथ भट्टाचार्य के लिए मांगेंगे वोट। 3 बजे हावड़ा मध्य तो 4:30 बजे बेहाला पूर्व में अमित शाह रोड शो में जनता से मांगेंगे वोट। बंगाल के आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर लगाएंगे जोर, 3 चुनावी रैली में ममता सरकार के खिलाफ भरेंगे हुंकार। ममता बनर्जी भी कोलकाता के टॉलीगंज में जनता से करेंगे वोट की अपील, जादवपुर में भी करेंगी चुनावी रैली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 7 उम्मीदवार उतारेगी ओबीसी की पार्टी, एआईएमआईएम प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक, कोरोना सहित कई मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद। वित्त मंत्रालय ने कहा दूसरी लहर से मुकाबले में सक्षम है देश, अर्थव्यवस्था को एक बार फिर बेहतर और मजबूत बनाने के रास्ते पर भारत। लखनऊ में यूपी बीजेपी ने जारी की पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों की 13 जिलों की सूची। मधुबनी हत्याकांड में पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी यादव, पीड़ित परिवार को 6 लाख की मदद दी। शाम 7 बजे छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, ट्वीट कर दी जानकारी। दिल्ली में दर्दनाक सड़क हादसा, बेकाबू कार बुजुर्ग दंपत्ति को रौंदा, घटना के वक्त कार चला रही महिला की मोबाइल फोन पर भी थी नजर। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके के एक होटल में प्रेमी युगल ने की खुदकुशी, पुलिस कर रही मामले की जांच। पटना के नलेर में एक शख्स ने दवा दुकान पर की सरेआम फायरिंग, पुलिस ने दबोचा। बिहार के कैमूर में बदमाशों ने 2 लोगों को गोलियों से छलनी किया, एक की मौके पर मौत। सिंगरौली में दिनदहाड़े लूट का पुलिस ने खुलासा किया, 3 गिरफ्तार, 16 लाख नकदी, 60 लाख जेवर बरामद।